चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जितने नुनावादगर है सब झूठे हैं, तमाशगीर हैं, जो करे तमाशा दिखाने वाला है ना मदारी, वो सबको नचा ले जैसे वो कहेगा वो करी बोलना। झूठ बोल गई तो आए थे बस, कि 35 रुपए डीजल का रेट कर दूंगा, अच्छे दिन आवेंगे पब्लिक के, आए अच्छे दिन। कभी कहे बैंक का आईएफएससी नंबर खत्म हो जा, कभी कहे कि मर गया मैं जिंदा उठाऊ फिर। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की शामली विधानसभा सीट के कुड़ाना गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हम किसानों के बीच है। आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की जो तिथियां है वो निर्धारित हो चुकी है। 10 फरवरी से यहां चुनाव शुरू हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ किसानों के साथ हम आज चुनावी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ किसान हैं और किसानों के क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस तरह से वो इस बार उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं और किस तरह के समीकरण यहाँ बनने वाले हैं, तो इसी बात को जानने के लिए हम किसानों के बीच है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? नरेंद्र मलिक जी। मलिक साहब, ये बताइए कि अभी 22 का चुनाव है, 10 फरवरी को चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है क्या माहौल बनने वाला है चुनाव में? यहाँ धकेला हो जाएगा बीजेपी का जी। निकाल देंगे सहन से बीजेपी को, कोई काम नहीं किया, सब बेरोजगार भरे, ना किसी का पेमिट हो रहा, ना किसी का भुगतान वो हो रहा, उसमें जो है मिल रहा उसे पैसा, भाई जो खेती थी वह बिचारों ने खा दी। अगर इस बार भी ऐसा होगा या ऐसा माहौल बनाया जाएगा तो जनता इसको समझ रही है? हाँ, जनता सब समझेगी जी। तो जितने नुनावादगर सब झूठे हैं, तमाशगीर हैं, जो करे तमाशा दिखाने वाला है ना मदारी, वो सबको नचा ले जैसे वो कहेगा वो करी बोलना। क्या होगा इन चुनावों में, क्या होगा ये चुनाव जो आ रहे हैं? भाजपा का सपा करना चाहिए तो विकास कितना कर पाई है आपके? विकास आज तक एक दिन भी मैं एमएलए को यहाँ दिखा, मेरे यहाँ एक बाढ़ी और एक बाढ़न पड़े जिनकी उम्र 80-90 साल है, मैं 3 बार उन्हें लेकर जा लिया पेंशन के नाम का, उनकी पेंशन नहीं। कभी कहे बैंक का आईएफएससी नंबर खत्म हो जा, कभी कहे कि मर गया मैं जिंदा उठाऊ फिर, अभी जो मर गया जी मरतक है, कहाँ था फेरे बिट लगवाओ उनका रोजाना ले जाकर रिक्शा में, बताओ। अजी झूठ बोल गई तो आए थे बस, कि 35 रुपए डीजल का रेट कर दूंगा, अच्छे दिन आवेंगे पब्लिक के, आए अच्छे दिन। और आज तक थारा सामने नहीं, अच्छे दिन आए, 10-10 सूट बदलते हैं जी आज मई बस। तम इसे देखियो, जब दिल्ली से चलेगा किसी हवाई जहाज में बैठकर जहाँ उतरेगा वहाँ देखियो कौन सी ड्रेस मिलेगी, अजीब इससे जब जाएगा कौन सी मिलेगी, शौकीन बंदा है, दंता का पैसा फूंक रहा। फ्री में सिलेंडर दिया था, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया, वे चूल्हे दो गुरु देर से भी डाल दिया लोगों ने, गैस लो भरवा गैस का मतलब पेमेंट नहीं आया, पेमेंट सरकार देती है। आपके यहाँ तो गन्ना मंत्री है, ऐसा क्यों है? गन्ना मंत्री के होते हुए भी किसानों के भुगतान नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है? भाई मोदी जो है सहारनपुर भी मेरठ भी 14 दिन में पेमेंट कह गया था एक प्रधानमंत्री, और वो भी झूठ बोल गया। रही बात भाई कोर्ट में लड़े थे इनके खिलाफ, भाई ब्याज दे जी, पेमेंट नहीं दे रहे तो ब्याज तो देता। ये भी योगी की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ चली, किसानों का जब किसानों के खिलाफ चली तो किसानों को मैं कुकर मान रहे कि ना वोट, किसान वोट दे देगा। 14 महीने किसान आंदोलन चला है और कम से कम 750 किसानों की शहादतें हुई है। हाँ जी। आप उसको कैसे देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव पे किसान आंदोलन का असर रहेगा? हाँ जी रहेगा जी, किसानों की तो वहाँ से इतनी बेकदरी करी है अंदाता को, अंदाता भी कहें और खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कहा यार, एक टीवी चैनल न तो हिंदुस्तान है वो बस जी, न्यूज़ जिसे हम कह भी नहीं सकते, इतनी अभद्र भाषा कही टिकेट के प्रति, कभी लठे तो बतावें कभी कुछ बतावें, ये तो सरकार के काम हो करेंगे ऐसे यार। अच्छा नेता तो इन लोग धमकी दे, अजय टेनी ने 25 तारीख में सभा में कहा मजे मंत्री ना समझो मैं, जो अपनी पुरानी फॉर्म में आ गया आज तो 2 मिनट का सोता है, लखीमपुर और पलिया को छोड़ दे पाऊंगे, वो काम 3 तारीख में कर दिया सब ने, इन्होंने मिल के यू कहा
अब वहाँ आशीष मिश्रा की गाड़ी नहीं थी, पूरे प्रशासन को मतलब यू है उन्होंने ना ध्यान में वो करके अजय टेनवी को बचाने के लिए, अब उसकी तो गाड़ी नहीं थी, सारी चीज साबित होगी, उसका हथियार भी साबित हो गया, आज लोग कुछ नहीं बिगड़ा। हम मन ने वहाँ से सुरक्षा में हुआ लगी कुछ नहीं, भीड़ थी वापसी चले कुछ नहीं, जो उसने कहा ना चिन्नी को अग अपने उसे उस पर हवाई अड्डे पे अग उसको अपने मुख्यमंत्री को कह देना धन्यवाद, मैं जिंदा चलिया, कोई घटना नहीं कुछ नहीं नाटक। प्रधानमंत्री को खतरा होगा इस देश में तो आम आदमी का तो कुछ है ही नहीं। फिर दो दिन के बाद में चिन्नी गया वहाँ से और उसके साथ पत्रकार था कोई जिनसे चैनल का था और वो तेरे का चल दिया, वहाँ पैसे ही जाओगे बिना सुरक्षा के, अब जी हम है रही जो आदमी है जाकर भाजपा के लोगों में ही बैठ गया, सारी बातचीत करी कुछ भी नहीं, कुछ अपने ही तो ये आदमी है, कोई भी देश के थोड़ा यार है। तो अगर रास्ता रोक रहे थे प्रधानमंत्री, पहले राजीव गांधी था, किसान बैठे थे वोट क्लब पे और वोट क्लब पे किसान हट गए, हम इंदिरा हटे नहीं, रात को कोशिश करी उन्होंने उठे नहीं, राजीव गांधी ने कह दिया था इंदिरा गांधी की अति पुण्य तिथि, कहने हम तो रामलीला मैदान में मना लेंगे, ये हो प्रधान के तो काम, जनता को तबाह करने के लिए नहीं होते जी। ये बस है जी, देखो मैं सदा तई भाजपा की वोट दे, बच्चों ने जो है स्कूल में बिजार इकट्ठे कर दिए थे, अब वहाँ प्रधान भी पुलिस भी सब जो है मास्टर ने बुला लिए, मैं जावे थोड़ा सहारा देगा भाई, तेरी सरकार है, तेरी सरकार है, तेरे घरों ये बिजार आवेंगे तेरे खेत में ले चलेंगे, मैं भाई मोदी योगी के सहारा और भाई प्रधान के सहारा माड़ा मोटा सा मगा भाई चल मैं करूँगा, मैं थोड़ी मोटी सी उनकी पुलिस वालों को बुला कर चाय पानी पियाई, बच्चों को बुलवा कर वे चढ़वा दिए पुछवा दिए, वो मुकदमा आज लो चल रहा, एक तो बेचारा कराल का है उसका तो जमीन भी नहीं है, उसके भी नाम मुकदमा ही है, सरकार के भरोसे सिर्फ बीजेपी को वोट देने की वजह से यूं नतीजा मिला। पाँच सालों में रोजगार की क्या स्थिति रही, बहुत क्या भर्तियां निकली, पुलिस आर्मी सब किसान के बच्चे उनमें जाते हैं, सर आपको क्या लगता है? कुछ नहीं निकला जी, आर्मी की तो भर्ती भी उम्र ही लिखड़ गई, भर्ती नहीं लिखड़ी, और बाकी जो नौकरियां है रेल कुछ नहीं भागते सांझ भाग रहे और कोचिंग कर रहे और वो कुछ नहीं बेरोजगार है और उम्र लिखड़ लगी, उम्र लिखड़ लगी फिर ब्याह नहीं होने के फिर कहोगे ब्याह भी उम्र लिखड़गी पढ़ाई सबको पता है कग दद्दो बड़ा क्या सबके पढ़ाई तड़की सांझ जाएगा कोचिंग में चले जा पढ़िया वे जी बढ़ते हैं नहीं पड़ेगा फायदा क्या है रेस पे चले जी। मैं पॉलिटेक्निक कर रहा जी, तो मेरी पिछली बार एक में बैग थी तो उन्होंने आगे दे फोन आके लगा 1000 रुपए गिरवाया था बैग क्लियर हो जाएगी, मगर ये 1000 रुपए तो ढेर है, मैंने कहा 1000 रुपए में तो बोतल भी नहीं आती। हाँ ऐसे बता रहे थे हर आगे तो यहाँ था बोल रहे थे अर्जुरा मेरे भाई विनम्बर नु कहता जहाँ तेरे पर दिखाना हो दिखा लिया कुछ नहीं बिगड़ा मेरा। हम उत्तर प्रदेश के शामली सीट के कुड़ाना गांव में थे जहां पर हमने किसानों से नौजवानों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बज चुका है उसका आगाज जो हो चुका है उसका क्या असर है, इस बार जनता क्या सोच रही है और जनता किसको इस बार उत्तर प्रदेश का राजा बनाने जा रही है, यही सब जानने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से, धन्यवाद।